नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भूगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 66वां भाग है। यूनिट थर्ड हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक भूगोलवेताओं का योगदान रहा, 18वीं शताब्दी में कौन कौन से भूगोलवेताओं का योगदान रहा, उसके बारे में हमने पढ़ा। यानी अपना जो टॉपिक था वो 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक भूगोल का उदय। अठारहवीं एवं 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक भूगोल का उदय किस प्रकार से 18वीं 19वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक हम कह सकते हैं, अंतिम समय में, और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक युग में किस प्रकार से भूगोल का एक वैज्ञानिक स्वरूप विकसित हुआ, जैसे पुनर्जागरण काल था या खोजों का जो महान काल था, उसके बाद में किस प्रकार से 18वीं 19वीं शताब्दी में भूगोल में एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ, उसके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी खोजों का जो महान युग था, उसके बाद में 18वीं शताब्दी के भूगोलवेताओं ने किस प्रकार से वैज्ञानिक भूगोल के विकास का एक प्रकार से हम कह सकते हैं मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें विशेषतः इमैनुअल कांट है, मुस्टर हैं, फास्टर हैं, बुस्चिंग हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब किस प्रकार से 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में जो मानवीय जो वैज्ञानिक भूगोल का विकास हुआ, या हम कह सकते हैं एक आधुनिक भूगोल का यहाँ से उदय होता है, तो इसमें दो विद्वान विशेषता हमने देखा कि जर्मनी का जो अभी हम इसमें पढ़ेंगे, जर्मनी का जो प्रमुख भौगोलिक विचारक हैं उनके बारे में, या जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी के बारे में। तो जर्मनी के प्रमुख विचारकों में हमें हम्बोल्ट, रीटर और रेटजेल के जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हम्बोल्ट और रीटर जो हैं, उनको मुख्यतः ये समकालीन थे और इनको आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहले हम हम्बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जर्मन जो विद्वान हैं उनके अंदर सबसे पहले अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनको आधुनिक भूगोल या वैज्ञानिक भूगोल, जो आधुनिक भूगोल कहलाता है, भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो आधुनिक भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल को का संस्थापक इनको कहा जाता है। जर्मनी के परसा में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के परसा में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का जन्म हुआ था 1769 में। इनका समय है 1769 से लेकर के 1859। 1769 से 1859, तो 1769 में इनका जन्म जर्मनी के परसा में हुआ था। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने क्या है, भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में
महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त भूगर्भ विज्ञान प्राकृतिक या प्रकृति कह सकते हैं हम, भूगर्भ विज्ञान में प्रकृति विज्ञान यानी भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास तो इन्होंने किया ही किया, उसके साथ में भूगर्भ विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान या हम कह सकते हैं प्राणी विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की जो शाखाएं रही हैं उनमें इन्होंने विशेष योगदान इनके द्वारा दिया गया। वनस्पति विज्ञान, इसके अलावा प्राणी विज्ञान, इनके विकास में भी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ में भूगर्भ विज्ञान यानी भूगोल की शाखाएं भी हैं, साथ साथ में भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान है या एक कह सकते हैं जलवायु विज्ञान, के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है, यानी इनके विकास में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार से विशेषतः ये जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक भूगोल का एक विशिष्ट समग्र विज्ञान के रूप में विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का जो काल है मध्य का, उसमें इन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का महत्वपूर्ण योग कार्य है वो इनके द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण प्रयास इनके द्वारा किया गया। इनका जो काल है विशेषतः रीटर और जो हम्बोल्ट है इनका जो काल है वो कहलाता है आधुनिक शास्त्रीय काल, मॉडर्न क्लासिकल पीरियड या मॉडर्न क्लासिकल एज इसको कहा जाता है। इनके काल को क्या कहा जाता है? आधुनिक शास्त्रीय काल इनके युग को कहा जाता है, यानी 1769 से लेकर के 1859 वाला जो काल है उसको आधुनिक शास्त्रीय काल कहा जाता है। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो निजी शिक्षकों से, इनका जो गृह नगर टेगल था उसमें ही हुई थी। इसके बाद में इन्होंने क्या विभिन्न स्कूल कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनके द्वारा विशेषतः जो हम्बोल्ट ने उच्च शिक्षा के लिए हैम्बर्ग का एक वाणिज्य विद्यालय था जिसमें इनके द्वारा प्रवेश लिया गया और यहाँ पर इन्होंने प्रसिद्ध भूविज्ञानी वर्नर के निर्देशन में हैम्बर्ग के वाणिज्य विद्यालय में इनके द्वारा प्रवेश लिया गया। उसके बाद प्रसिद्ध भूविज्ञानी वर्नर के निर्देशन में इन्होंने भूगर्भ विज्ञान या भूविज्ञान का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा खदानों में या खानों में जो पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन इनके द्वारा किया गया, यानी खदानों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन है वो इनके द्वारा किया गया था। और उसके ऊपर इन्होंने लैटिन भाषा में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें इनमें विभिन्न जो वनस्पतियां हैं उनके विश्लेषण के साथ साथ उनका पारिस्थितिकीय अध्ययन भी सम्मिलित था। अब हम्बोल्ट ने लैटिन भाषा में ज्योग्राफी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जो था जियोग्नाजिया। लैटिन भाषा में इनके द्वारा ज्योग्राफी के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था लैटिन भाषा में जियोग्नाजिया। प्रयोग किया इन्होंने जियोग्राफी के लिए।
जियोग्नाजिया शब्द जिसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा गया और जर्मन भाषा में इसको कहा गया अर्डकुंडे, अर्डकुंडे, और इंग्लिश में इसको कहा गया जियोग्राफी। ये जर्मन भाषा का हो गया, ये हो गया इंग्लिश का, और ये हो गया जियोग्नाजिया हो गया लैटिन भाषा का। तो इस प्रकार से इन्होंने लैटिन भाषा में जियोग्राफी को जियोग्नाजिया शब्द इनके द्वारा दिया गया। इस पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और इनके द्वारा यह भी बताया गया इस पुस्तक में कि वनस्पतियों को भूगोल का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो जियोग्नाजिया जो पुस्तक है उसमें इन्होंने जो पुस्तक की भूमिका है में वनस्पतियों को भूगोल का अभिन्न अंग बताया था। तो ये जो जियोग्राफिया या जियोग्राफी जिसको इंग्लिश में कहा गया है, ये जो पुस्तक इनकी जियोग्नाजिया नाम से प्रकाशित हुई थी इसमें इन्होंने ये लिखा था कि वनस्पतियां हैं वो भूगोल का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इनकी पुस्तक ये 1793 में प्रकाशित हुई थी। तो जिसमें इन्होंने वनस्पतियों को भूगोल का अभिन्न अंग बताया या वनस्पतियों को भूगोल का मुख्य अंग बताया गया। 1793 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो कि वैज्ञानिक भूगोल का एक प्रकार से सूत्रधार बनी। ये जो इनकी पुस्तक थी लैटिन भाषा में इसको जियोग्नाजिया नाम दिया गया था। इसके बाद में इनकी अन्वेषण यात्राएं प्रारंभ हुई, इनके द्वारा विभिन्न यात्राएं हैं वो प्रारंभ की गई थी। इनके द्वारा लगभग 64,000 किलोमीटर लंबी खोजी यात्राएं या एक प्रकार से कह सकते हैं यात्राएं इनके द्वारा की गई थी। दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न देशों की यात्राएं इनके द्वारा की गई। तो सबसे पहले तो इनके द्वारा वेनेजुएला के अंदर अन्वेषण यात्राएं हैं प्रारंभ की गई। दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का जो कुमाना शहर है वहां पर ये पहुंचे और वहां से अपनी अन्वेषण यात्राएं हैं वो लगभग इनकी 5 साल तक इनके द्वारा वहां से अपनी अन्वेषण यात्राएं हैं वो की गई थी। इनके द्वारा यहाँ की जो ओरिनिको नदी है उसके बेसिन का सर्वेक्षण किया गया था। ओरिनिको नदी के बेसिन का सर्वेक्षण किया, यानी ओरिनिको नदी जो है उसके अपवाह क्षेत्र के उसके बेसिन का सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया था। ये लगभग 27,000 किलोमीटर का जो क्षेत्र था, वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था, इसका अन्वेषण है वो इनके द्वारा किया गया था। यहाँ के पेड़ पौधों के जीवाश्म आदि के जो नमूने हैं वो इनके द्वारा एकत्रित किए गए थे। तो ओरिनिको नदी के बेसिन क्षेत्र का सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था? हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। इसके बाद में ये कोलंबिया के कार्तेजेना जो बंदरगाह है उसके पास में पहुंचे। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है उसका सर्वेक्षण भी इनके द्वारा किया गया था। एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वेक्षण किया गया।
हम्बोल्ट के द्वारा ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो एक तो ओरोनिको नदी का जो सर्वेक्षण कार्य है, उसके बाद में एंडीज पर्वत श्रेणी का सर्वेक्षण कार्य इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा इन्होंने कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू में जो एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया था। विभिन्न स्थानों के अक्षांश, देशांतरों, उनके सागर तल से ऊंचाई आदि इनके द्वारा एकत्रित की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पेरू के लीमा नगर पहुँचे और वहाँ पर क्या पेरू के तटीय भाग का सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया। पेरू के तटीय भाग का सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया और यहाँ पर एक समुद्री धारा जिसको कहते हैं पेरू की धारा, जिसको नाम दिया गया है हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा की खोज एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा की गई थी। यानी पेरू तट के इन्होंने सर्वेक्षण किया, जहाँ पर यहाँ पेरू की धारा जिसको कहते हैं हम, पेरू की धारा जो ये दक्षिण से विशेषतः उत्तर की ओर जो समांतर प्रवाहित होती है, कैसी धारा, ये ठंडी धारा दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली पेरू की जो धारा है उसकी खोज इनके द्वारा की गई थी। प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू स्थित है और वहाँ पर इनके द्वारा प्रशांत महासागर की एक महत्वपूर्ण धारा, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की जो धारा है वो इनके द्वारा खोजी गई थी, तो उसे हम्बोल्ट की धारा का नाम भी दिया गया है। इस प्रकार से ये निश्चय से दक्षिणी अफ्रीका, जो दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है उसकी यात्रा करते हुए जब ये वापस पहुंचे तो इनके द्वारा नए भूमध्य रेखीय प्रदेशों की यात्रा नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश। यानी दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया था, उसके बाद में इनके द्वारा नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेशों की यात्रा पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, जो कि 30 खंडों की थी, यानी 30 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी। तो जो भी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र की विभिन्न इनके द्वारा यात्राएं की गई वो सारी की सारी यहाँ पर इनके द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा पनामा जलडमरू मध्य जो है उसके आर पार जो, यानी ये कह सकते हैं कि पनामा नहर का जो प्रारंभिक विचार है वो हम्बोल्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभिक विचार हम्बोल्ट द्वारा दिया गया था, पनामा नहर बनाने का जो विचार है प्रारंभिक वो हम्बोल्ट के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इनके द्वारा जो भूमध्य रेखीय प्रदेश विशेषतः दक्षिणी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उसके जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं या जो मध्य अमेरिकी क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया था, तो वहाँ से जो पनामा जलडमरू के आर पार जो नहर खोदने का विचार है वो भी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा यहाँ पर नहर खोदने का विचार है वो प्रस्तुत प्रारंभिक रूप में प्रस्तुत किया गया था, हालांकि इसका निर्माण उसके पश्चात का हुआ है। इस प्रकार से इनके द्वारा विशेषतः भूमध्य रेखीय प्रदेश जो दक्षिणी अमेरिका के हैं उनका सर्वेक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त साइबेरिया के विभिन्न जो खनिज हैं उनका सर्वेक्षण भी इनके द्वारा
किया गया। साइबेरिया के क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट के द्वारा किया गया था। अब हम इनकी महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं, प्रमुख रचनाएँ जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी इनके द्वारा बहुत सारी जो पुस्तकें हैं प्रकाशित की गई, जिसमें से कोसमोस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन जो सबसे प्रमुख रही? सबसे पहली है राइनलैंड बेसाल्ट, प्रमुख रचनाएं। पहली पुस्तक है राइनलैंड बेसाल्ट। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण कृति हम कह सकते हैं अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट की। ये एक प्रकार से इनका शोध ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1789 में हुआ था। ये क्या है? एक शोध ग्रंथ, और प्रकाशन इसका हुआ था 1789 में। राइनलैंड से संबंधित, राइनलैंड के जो बेसाल्ट ये क्षेत्र हैं उससे संबंधित इनका एक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम क्या है? राइनलैंड बेसाल्ट। ये शोध ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो 1789 में हुआ था। इसमें इन्होंने राइन बेसिन के जो शैल और खनिज हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन इनके द्वारा किया गया था। राइन नदी के बेसिन के खनिजों की विशेषताओं का वर्णन। तो इस प्रकार से इनके द्वारा जो राइन नदी के खनिज हैं उनकी विशेषताओं का जो वर्णन है वो किया गया था इसमें। तो सबसे पहला इनका शोध ग्रंथ था राइनलैंड बेसाल्ट। तो राइन नदी के बेसिन में जो शैले हैं और खनिज हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन है वो इनके द्वारा किया गया, खनिजों का और शैल का। तो यहाँ बेसाल्ट से स्पष्ट हो जाता है कि यानी जो शैले यहाँ पर पाई जाती हैं राइनलैंड में, या राइन नदी के बेसिन क्षेत्र में जो शैले पाई जाती हैं, जो खनिज पाए जाते हैं, उनका विस्तृत वर्णन है वो इस पुस्तक में इनके द्वारा किया गया था। तो ये एक इनकी प्रारंभिक महत्वपूर्ण रचना थी। अगली इनकी मुख्य कृतियों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।